चलो तो कल अपन ने देखा था, ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लिया था कि हर एक वस्तु इस दुनिया की हर एक दूसरे वस्तु को अपने तरफ खींच रही है, और वो जो फोर्स है वो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए जो कॉन्स्टेंट डाला था वो क्या क्या था, हाँ कैपिटल जी का फुल फॉर्म क्या है, क्या नाम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। देख क्या है हो, या अभी बैठ के देख लेते 2 मिनट। कैपिटल जी कल जो बताया वो कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। और कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़े थे। फिर दो इंपॉर्टेंट डाटा बताया था मैं, मास ऑफ अर्थ, धरती माता का वजन, और धरती माता का रेडियस। मास ऑफ अर्थ कितना था, 6 × 10⁴ kg है ना, और रेडियस ऑफ अर्थ बताया था, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁶ m। बोला था नींद में भी याद होना चाहिए। इसके बाद में एक चीज और बताया था कल, क्या बताया था, फ्री फॉल। क्या बताया था, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, जब सिर्फ और सिर्फ कोई चीज गिर रही है सिर्फ धरती माता के फोर्स के कारण, है ना, लिखवाया भी था ना, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एन प्लैनेट। ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खाली मोशन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। और फ्री फॉल के टाइम जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी। बस इतना ही पढ़े थे, मतलब कुछ ही नहीं पढ़े थे कल, है ना। कैपलर्स लॉ तो एक्स्ट्रा पढ़े थे, आपके सिलेबस में है नहीं, है ना। कैपलर्स के तीनों लॉ पढ़े थे, उसके बाद न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे, उससे अपन ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। डिराइव क्या किया था, मतलब बस लिखा था एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर, या आर स्क्वायर भी लिख सकते हो अगर आपने दूरी आर मानी है तो। ठीक है, तो कैपिटल जी की वैल्यू, उसकी एसआई यूनिट, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, दो डाटा याद किए थे, फ्री फॉल क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, बस इतना ही पढ़े थे, है ना। आगे यहाँ यहाँ देखो, यहाँ ध्यान, है ना। ठीक है, आगे अब अपन को डिराइव करना है ये जी की वैल्यू किसी भी प्लेनेट के लिए, जी फॉर एनी प्लेनेट, नॉट ओनली अर्थ, फॉर एनी प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट के लिए जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन मतलब, जैसे यहाँ अर्थ में किसी भी चीज को फेंकोगे तो आपको पता होगा 9.8 m/s² से एक्सेलरेट करता है। अर्थ में कोई भी चीज कैसी भी हो, भारी हो हल्की हो, किसी भी चीज को अगर आप फेंक दोगे या छोड़ दोगे, फेंकोगे नहीं छोड़ दोगे, तो एक्सेलरेट कर रही है नीचे, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 9.8 m/s². ये भी अपन डिराइव करेंगे। ठीक है, ये भी अपन डिराइव करेंगे, और ये आप याद भी रख सकते हो, आज के बाद एकदम याद होना चाहिए। धरती माता में अगर आप कोई भी चीज मोशन हो रहा है तो धरती माता के फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 9.8 m/s². और अगर क्वेश्चन में इसको 10 लेने के लिए बोला है तभी 10 लोगे, अदरवाइज क्या लोगे, 9.8 m/s². एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, m/s². बात समझ में आई। चलो तो डिराइव करते हैं इस फॉर्मूले को, इस वैल्यू को डिराइव करते हैं, है ना। तो हेडिंग डाल लेते हैं भैया, जी फॉर, खाली जी मत लिखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर प्लेनेट, या एट प्लेनेट सरफेस, एट प्लेनेट सरफेस, किसी भी प्लेनेट के सरफेस की बात करी जा रही है। ठीक है, मान लो भैया कोई प्लेनेट है, कौन सा प्लेनेट मान ले, कोई भी प्लेनेट मान लो भाई, क्या जा रहा है, इस प्लेनेट का रेडियस मान लेते हैं आरपी, मान सकता हूं रेडियस ऑफ प्लेनेट, इसका मास मान लेता हूं एमपी, मास ऑफ प्लेनेट। ठीक है, पहले सुन लो, लिखो मत, लिखो मत, पूरा सुन लो पहले एक बार, है ना, पूरा सुन लो एक बार अच्छे से, उसके बाद लिखना, बैठाते जाओ, दिमाग में बैठाओ पहले, बाद में फिर कॉपी में बैठाना, है ना। चलो जी, किसी भी प्लेनेट के सरफेस में, प्लेनेट के सरफेस में, मैं अभी जो आपको जी की वैल्यू बताई अर्थ के सरफेस में बताया, यहां से 100-200 किलोमीटर ऊपर की वैल्यू नहीं बताया, कहां की बताया, अर्थ के सरफेस में, पूरे अर्थ के सरफेस में जो वैल्यू है वो कितनी है, 9.8 m/s², इसको अभी अपन डिराइव करेंगे, है ना। तो ये अर्थ के लिए किए, लेकिन अपन जो फॉर्मूला पहले करेंगे वो किसी भी प्लेनेट के लिए, फिर अर्थ की वैल्यू डाल देंगे तो अर्थ का आ जाएगा, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ अर्थ का डाल देंगे तो अर्थ का जी आ जाएगा, किसी और मून का डालोगे तो मून का आ जाएगा, समझ में आया। तो अपन फॉर्मूला अपन को डिराइव करना है। चलो तो अपन को सबसे पहले अपन को क्या मालूम है, मान लो ये पूरा मास ऑफ प्लेनेट है कुछ, और कोई एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं,
जिसको ये अपने तरफ खींच रहा है उसको बोल देता हूं मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एमओ लिख सकता हूं। मान लो ये अर्थ है पूरी, अर्थ के ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट, इसका मास मान लो एम नॉट। धरती माता का मास आपको मालूम है, अब आपको मालूम है ये अब एक मास और धरती माता एक मास, दो मास है, तो दोनों मास एक दूसरे को क्या फोर्स लगाएंगे। अभी अपन ने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर पढ़ा। चलो अब वो डी दूरी क्या होती है, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की दूरी। अब देखो ये है एक मास एम नॉट, ठीक है, तो अब ये मास MP और ये मास M0 उनके बीच की टोटल दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी इसके सेंटर से उसके सेंटर तक, मतलब ये रेडियस प्लस ये छोटी सी इसको हाइट h बोल सकता हूं। एक तो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस ये अर्थ के ऊपर भी कुछ h हाइट में आपने ऑब्जेक्ट को रखा है ना, तो ये h हाइट h मान लिया, इज दैट क्लियर। तो टोटल दूरी इसकी और अर्थ के सेंटर की कितनी हो गई, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट हो गई टोटल दूरी। तो टोटल दूरी आपकी जो डी है, वो जो डी है वो कितनी हो गई, रेडियस ऑफ प्लैनेट प्लस एच हो गई, है ना। अब अपन क्या लिखेंगे, वी नो दैट फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, एफ इज इक्वल टू फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन We know that F equal to G mass of planet mass of object by D square. F is equal to, अब D की वैल्यू पुट कर दूं, D की वैल्यू कितनी है, रेडियस ऑफ प्लैनेट प्लस हाइट, तो G mass of planet mass of object upon radius of planet plus height का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है, कोई भी प्लैनेट की बात करो, है ना, अर्थ की बात करें तो 64,000 किलोमीटर, मतलब 6.4 × 10⁶ मीटर, उसके सामने 64, ये इतना ये रेडियस है अर्थ का, है ना, इतना मीटर है, 6.4 × 10⁶, है ना, इतना रेडियस है अर्थ का, इतने के आगे इसमें अगर मैं प्लस कर भी दूं 2 मीटर, तो कुछ अंतर आएगा ज्यादा, डिवाइड में 2 मीटर 3 मीटर 50 मीटर भी ऐड कर दूं, इस पूरे के सामने 50 मीटर भी कुछ है, अगर मैं 50 मीटर का यहाँ डिनोमिनेटर में चेंज करूंगा तो एफ तो आप उतने डेसिमल तक निकालोगे ही नहीं, समझ रहे हो, उतना एरर तो आप नॉर्मली करते हो, आप ज्यादा से ज्यादा कितना निकालोगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट या दो डिजिट निकालोगे, समझ में आया, और उतने में तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं इतनी बड़ी वैल्यू के सामने, यस और नो। तो एच यहां पर क्या है, एच बहुत छोटा है, एच इज वेरी लेस देन रेडियस ऑफ प्लैनेट, वी नो दैट एच इज लेस देन then radius of planet, ऐसे भी लिख सकते हो, h is very 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 small as compared to radius of planet, therefore we can ignore h या remove h, तो h को उड़ा दूं यहां से, उड़ा दूं, तो f की वैल्यू आ गई आपकी g mass of planet mass of object upon radius of planet का होल स्क्वायर आ गई इतनी, बट अपन को फोर्स तो निकालना नहीं था, क्या निकालना है एक्सेलरेशन, स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या निकालना है, मूर्ति बन गए ना, तो मैं बता रहा हूं, फिर मैं मूर्ति समझ के पीटूंगा, दर्द नहीं होना चाहिए फिर, तो उस समय भी आऊ ही नहीं निकलनी चाहिए, बता दे रहा हूं, मूर्ति को दर्द थोड़ी होता है, और तुम मूर्ति बन के बैठे रहते हो, नो कैमरे में नहीं, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो आप देखो फोर्स है और एक्सेलरेशन निकालना है, तो कौन सा लॉ लेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, बात समझ में, वैसे एफ इक्वल टू एम ए न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं है, न्यूटन के सेकेंड लॉ का रिजल्ट है, ठीक है। सो अब इसके आगे इधर लिख रहा हूं मैं, है ना, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। अब एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, पहले तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम वहां अकेले क्यों बैठते हो, यहां बैठने में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरली मैं आधे टाइम इधर खड़े रहता हूं तो तुम पीछे हो जाते हो, ये लोग दिखते हैं सब, चलो आगे यहां बैठते हैं पहले, कल से यहां बैठोगे, है ना, हाँ। तो एक्सेलरेशन क्या है, एफ बाई एम। अब एक बात बताओ, ये मास कौन सा जिसका एक्सेलरेशन निकालना है उसी का, अरे कोई एक ऑब्जेक्ट है उस पर आपने फोर्स लगाया,
अब मान लो यहां पर दोनों में फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स धरती माता इस ऑब्जेक्ट पे लगा रही है उतना ही फोर्स ये ऑब्जेक्ट धरती माता पे भी लगा रहा है, सेम फोर्स। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये दोनों फोर्स जो है वो क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना। तो अब अपन यहां पर आप बोल सकते हो कि सर यहां पर अब मास तो दो दो है, मास ऑफ प्लेनेट और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, भैया किससे डिवाइड करें? अरे भाई आप एक्सेलरेशन किसका निकाल रहे हो, एक्सेलरेशन किसका निकाल रहे हो, धरती माता का कि ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का। अरे ऑब्जेक्ट का ना, एक्सेलरेशन छोड़े तो गिरा वो है ना, किसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो किसके मास से डिवाइड करेंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पर पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन वन इंटू इक्वेशन टू, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू एफ क्या हो गया, जी मास ऑफ प्लेनेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ने मास ऑफ ऑब्जेक्ट को काट दिया, और ये जो एक्सेलरेशन है ये सिर्फ ग्रेविटी के कारण है, इसको अपन क्या लिख देते हैं, जी, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का होल स्क्वायर, आ गया फॉर्मूला। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का होल स्क्वायर। एक बात ध्यान रखो यहां पर, ये फॉर्मूले में कहीं पर भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा, चाहे आप एक पेपर को, रुआ को या एक लोहे के टुकड़े को गिराओ, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, बस हवा हटा दो, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगेगा तब। मतलब अगर यहां पर आप वैक्यूम क्रिएट करके एक छोटा सा रुआ और एक एकदम भारी लोहे की बॉल दोनों को गिरा दोगे ना, तो दोनों सेम स्पीड से नीचे जाएंगे, सेम एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे और एक ही टाइम में धरती माता को टच करेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ रहा है, आ रहा है सबको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चाहे कितना ही भारी ऑब्जेक्ट हो या कितना ही हल्का ऑब्जेक्ट हो, दोनों सेम रफ्तार से नीचे पहुंचेंगे अगर सेम हाइट से फेंके गए हैं तो। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, कभी इतना इज्जत से लिखते देखे हो मेरे को, ऐसा तो एक लाइन का दिखाऊंगे, देखो ये देखो एक लाइन का है, ये मास ऑफ प्लेनेट ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच का फोर्स जी मास ऑफ प्लेनेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का होल स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाई मास, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई जी मास ऑफ प्लेनेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का होल स्क्वायर अपॉन मास, कट गया फॉर्मूला, आ गया जी इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का होल स्क्वायर। दो ही लाइन का है एक्चुअल में, तो एक्चुअल में दो ही लाइन का है, अरे फ्रॉम ये जो आया ये आया फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मेरी आंखों से वो चीज दिख रहा है, लिख लिए सजाने धजाने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी लिखो बस, बाकी मैंने इसमें लिख के दिया है पूरा इज्जत से एकदम। अच्छा तुम होगा दो लोगों का प्रिंट करना, कर ले आना, मेरे को प्रिंट नहीं करनी पड़ेगी दो टॉप, बेच कैसे देंगे,
लिख लिया, आगे बढ़े। तो पढ़ के समझ में आ जाएगा, पढ़ने का समय तो होना चाहिए। 5 मिनट में नहीं आएगा। क्या चीज अच्छा, 23 को पेपर है ना। आगे देखो, इधर बातें नहीं, इधर देखो। अब हो गया तो बता दो कि हो गया, लिख करके बातें करना चालू। अब लिख लेना, थोड़ा जगह छोड़ लो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरे को गर्मी लग रही है। चलो इधर देखो, इधर देखो, ओ भाई आगे देखो। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूला आया अपने पास, शांत, कृपया शांति बनाए रखें। आप सभी से अनुरोध है, अरे सॉरी 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 सॉरी, हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी प्लेनेट का फॉर्मूला आ गया, जी मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का होल स्क्वायर। अब आपको बोल दिया अर्थ के लिए निकालो, इधर सुनो ध्यान से सब कोई, बाद में मत बोलना नहीं बताया मैं कुछ। आपको अगर बोल दिया कि भैया अर्थ के लिए व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला फॉर अर्थ, तो आपको पहले तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। पूरा लिखे, ये वैल्यू आ गई, बस अब वैल्यू पुट कर दो अर्थ की, मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ अर्थ याद करा दिया हूं। तो फॉर अर्थ जी ऑफ अर्थ निकालोगे तो कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24 kg अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर आ गया। अरे वैल्यू पुट कर दिया, कैपिटल जी की वैल्यू पुट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ वैल्यू पुट कर दिया जो कल रटाया था अर्थ की। अर्थ के लिए अगर निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अर्थ की पूरी वैल्यू पुट करूंगा बस, फिर ऐसे कुछ कुछ कटा पीटी दिखा देना और लास्ट में आंसर लिख देना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे कोई नहीं देखेगा, आपको मालूम है आंसर तो रटा हुआ है, कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नहीं तो अभी कैलकुलेटर में करके देख लेना उतना ही आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट आपको ये करना है, ये लिखना, वैल्यू लिखना मत भूलना, इसके बाद डायरेक्ट 9.8 लिख दोगे तो मार्क्स कटेगा भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही तो बोला। और ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ऐसे कुछ काटा पीटी दिखा देना है ना, और डायरेक्ट वैल्यू लिख देना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों बातें कर रहे हो इतनी तुम लोग, तुम्हों की आवाज रिकॉर्ड हो रही है, पता है ना, ये माइक बहुत दूर दूर तक की आवाज ले लेता है। वो कल क्या बोलते हैं, गणेश पूजा की आवाज ले रहा था पूरी वहां से। ले रहा है तुम्हारी आवाज भी ले रहा है इतना धीरे बोलने के बाद भी। क्या तुमको टेस्ट करना है मेरी आवाज ले रहा है कि नहीं। चलो इधर देखो, इधर देखो, 6 जी ऑफ अर्थ, जी ऑफ अर्थ
वो भी कहां पर, ये कहां का है, सरफेस का, कहां पर रखा है, सरफेस का। चलो दो तीन बातें याद रखो, हाँ ज्ञान की बात सुनो, इधर ज्ञान की बात, तुम में क्या हो गया, क्यों बातें कर रहे हो इतनी आज, कैमरे तक को पता चल रहा है, कोई बात नहीं ये YouTube में डालूंगा, आधे मेरे पढ़ाने से ज्यादा तुम लोगों का बकवास जाएगा उसमें। चलो नहीं कर लो बातें कर लो, मैं पॉज कर देता हूँ इसको, मैं पॉज कर दे रहा हूँ इसको। चलो इधर 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 सुनो, ज्ञान की बात, सबसे पहली बात ये जो आप वैल्यू निकाले 9.8 कहाँ है, एट अर्थ सरफेस, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एट अर्थ सरफेस, ठीक है। यहां से ऊपर जाओगे तो भी इसकी वैल्यू कम होगी, यहां से नीचे जाओगे तो भी इसकी वैल्यू कम होगी, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां है, प्लेनेट के सरफेस में, किसी भी प्लेनेट में, सेंटर पे चल जाओगे तो वहां पर कोई ग्रेविटी नहीं, चारों साइड बराबर मास है, खुद सोचो अर्थ के सेंटर में अगर आप चले गए, पूरे अर्थ के सेंटर पे, तो भाई जितना मास इधर उतना मास इधर, सारे साइड बराबर मास है तो सारे साइड से बराबर फोर्स लगेगा, तो कोई फोर्स ही नहीं, जीरो, समझ रहे हो। अगर किसी एक चीज को यहां पर भी 10 न्यूटन से खींचे, यहां पर भी 10 न्यूटन से, तो उसके ऊपर कुछ नेट फोर्स होगा नहीं, टोटल फोर्स कितना, कैंसल आउट हो गया ना, 10 और 10 कहीं जाएगा क्या, वो नहीं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो अर्थ के सेंटर में चल जाओगे तो फोर्स कितना, जीरो, क्योंकि अर्थ के सेंटर में चल जाओगे तो अर्थ के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट का दूरी जीरो, समझ में आ रहा है, और कोई मास ही नहीं रहेगा खैर वहां पर, तो ठीक है, इनसाइड मास नहीं रहेगा, वो जीरो हो जाएगा, इस कारण से बीच में जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, जीरो, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, तो अर्थ के सेंटर में भी जीरो। अब यहां से मैं 1,00,000 किलोमीटर ऊपर निकल जाऊं तो अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल जाऊंगा, तो वहां पर कुछ फोर्स लगेगा नहीं, वहां तो कोई फोर्स नहीं है ना, वहां आराम से बस तैर रहे हैं, है ना, तो हवा में हवा तो है ही नहीं, हवा तो खाली 200 धन्य हो प्रभु, है ना, ठीक है, एकदम यहां से 1,00,000 किलोमीटर मान लो आप ऊपर चले गए, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर तो बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा, ग्रेविटी तो बहुत लेट खत्म होती है, अर्थ का एटमॉस्फेयर तो 200-300 किलोमीटर में आपका एकदम कम हो जाएगा, है ना, अर्थ का एटमॉस्फेयर ज्यादा लंबा नहीं है, हाँ ग्रेविटी बहुत दूर तक है, मतलब आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 64,000 किलोमीटर में होती है, तो आप सोच लो, है ना, तो अब उसके और ऊपर चले गए आप एकदम बाहर जहां ग्रेविटी क्या हो गई, खत्म, तो वहां पर भी एक्सेलरेशन जीरो, तो ऊपर भी जीरो, अर्थ के सेंटर में भी जीरो, तो मैक्सिमम कहां है, सरफेस में, अर्थ के सरफेस में, है ना, तो एंड इट इज मैक्सिमम, जी इज इक्वल टू 9.8 एट अर्थ सरफेस एंड इट इज मैक्सिमम एट सरफेस, ठीक है, ऊपर जाने में भी कम होगा, नीचे जाने में भी कम होगा, अगर ये लिखना है तो अपने भाषा में लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश गुजराती मराठी जिसमें छत्तीसगढ़ी जिसमें लिखना है उसमें लिख सकते हो, ठीक है, एंड इट इज मैक्सिमम एट सरफेस, ठीक है। दूसरी बात जी ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ, अर्थ में जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 6 गुना कम है, कहां पर, मून में, है ना, वो कैसे पता चला भैया, वहां का मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून यहां पर डालोगे तो जी ऑफ मून आ जाएगा, तो आपको लगभग जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, 6 गुना कम है, मतलब अगर यहां पर अगर आप अपना वजन तौल रहे हो 60 kg आ रहा है तो मून में कितना आएगा, 10 kg, वेट लॉस का सबसे बेस्ट तरीका है ना, सीधे यहां से जाओ मून में, क्या हुआ, एक्चुअल में वेट और मास अलग है, ये इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, मास तो आपका सेम रहेगा जो है, वेट आपका चेंज हो जाएगा, और एक्चुअल में 6 गुना कम है वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब धरती वहां के मून का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो 6 गुना कम है अर्थ से, ठीक है, आगे बढ़े, मैं तार जोड़ लेता हूं तब तक, ये तार पकड़ो दो उधर पीछे कर दो, रुको रुको, इसके इसके इधर से इधर से इधर से
रख दो बस। हो गया, लिख लिए। इंटरनेट कनेक्ट कर रहा हूं, इंटरनेट नहीं चल रहा है। हो गया, लिख लिए। चलो आगे। चलो इधर देखो, आगे आगे आगे। क्लियर हो गया इतना? अब एक सवाल है आप सभी से। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अरे ये वापस कैसे आ गया? तो धरती माता किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगा रही है, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स ये ऑब्जेक्ट भी धरती माता पे लगा रहा है। मतलब धरती माता इस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगा रही है, ये ऑब्जेक्ट भी धरती माता में सेम एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, धरती माता मूव नहीं कर रही? फोर्स बराबर लग रहा है दोनों पे, एकदम बराबर। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत इसका मास ज्यादा है, लेकिन खाली इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन ये रीजन करेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मास, धरती माता का मास ज्यादा है और इस ऑब्जेक्ट का मास कम है। एक बात और आपको खाली बतानी पड़ेगी, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास बाई एक्सेलरेशन। तो या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एम ए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास। ठीक है, एम उधर चला जाएगा। तो आपको यह बताना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन जो है वो मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम। अब भले ही इसमें भी फोर्स एफ लग रहा है, इसमें भी फोर्स एफ लग रहा है, अब मास ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है ना, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना 10 न्यूटन का, और ये 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, और धरती माता का मास तो आपको मालूम ही है इतना। ठीक है, तो अब इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, फोर्स बाई मास, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, है ना, और इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, फोर्स बाई मास, अप्रोक्सीमेटली जीरो लिख दूं। अरे 10 अपॉन कितनी बड़ी क्वांटिटी है, 6 × 10^24, समझ रहे हो? अगर मैं 1/10 करूं तो 0.1 आएगा, 1/100 करूं तो 0.01, छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बढ़ते जाएगा तो टोटल वैल्यू कम होगी। अब सोचो डिनोमिनेटर कितना बड़ा है, 10^24, ऊपर आएगा तो 10^-24, मतलब 0.00000000, 24 जीरो के बाद 1 आएगा, तो उसको आप अप्रोक्सीमेटली जीरो ही लोगे ना। तो अर्थ का एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0, और ऑब्जेक्ट का 10, इसलिए खाली ऑब्जेक्ट आपको चलता हुआ दिख रहा है, धरती माता चलती हुई नहीं दिख रही है। बात समझ में आई? चल धरती माता भी रही है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0.00000000, 24 जीरो के बाद कुछ आएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो यहां पर जब भी ये सवाल आएगा, और ये आता है कई बार, फेमस क्वेश्चन है ना, कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देन व्हाई इट इज हैपनिंग दैट ओनली ऑब्जेक्ट इज मूविंग नॉट अर्थ। तो आपको यहां पर दो चीज लिखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, लिख के दिखा देना, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। एंड सेकेंड थिंग इज मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज मोर देन मच 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 मोर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज मच 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 लेस देन मास ऑफ acceleration of object, therefore we see only object as moving not earth। बस समझ में आई? एक नंबर या दो नंबर का सवाल आएगा, उससे ज्यादा का नहीं आएगा। ठीक है, तो अर्थ और ऑब्जेक्ट में सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अर्थ नहीं, इसका रीजन लिख लेंगे सब कोई पक्का 100%। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े।
आगे बढ़े, ये सब नोट्स में लिखोगे, देखो देखो यहां लिखा हूं, हॉ जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला नहीं, वो वाला दूसरा बता रहा हूं। अच्छा वो अर्थ है, वो क्वेश्चन नहीं दिया हूं इसमें, अर्थ और मास वाला है ना। चलो आगे देखो, आगे देखेंगे सब कोई, आगे देखेंगे। अब देखो दो चीजें हैं, एक्चुअल में आप धरती माता को एकदम गोल मटोल समझते हो, है ना, एकदम सर्कुलर, सर्कुलर नहीं है, है ना। एक्चुअल में होता क्या है, कोई चीज को गोल घुमाओ तो ऐसे फैलने की कोशिश करेगा, दूर जाने की कोशिश, है ना। मान लो कहीं पर प्लेट में पानी, उसको तेज से घुमाओगे तो पानी पूरा दूर दूर चल जाएगा। सेम उसी टाइप का कुछ इफेक्ट आप मान सकते हो, अर्थ ऐसे गोल गोल घूम रही है और काफी स्पीड से घूम रही है, 24 घंटे में एक चक्कर काट लेती है, 24 घंटे में अपने एक्सिस के अबाउट एक चक्कर नहीं काट रही है, पूरे 24 घंटे में, है ना, ठीक है। और उस हिसाब से तो अर्थ का ये पॉइंट ऐसे आगे जा रहा होगा कुछ स्पीड से, अरे इसको मैं ऐसे गोल घुमाऊंगा तो ये इसकी कुछ स्पीड है ना इधर। अब सोचो अर्थ का जो रेडियस है उसके हिसाब से इस पॉइंट की स्पीड निकालोगे तो अपन आगे जा रहे हैं 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 500 मीटर पर सेकंड, लेकिन अपन को महसूस नहीं हो रहा क्योंकि अपने साथ ही हवा भी चल रही है, दीवार भी चल रही है, सारा पूरा का पूरा एक साथ चल रहा है तो अपन को पता नहीं चल रहा है। लेकिन अपन अभी मूव कर रहे हैं और किस स्पीड से कर रहे हैं तो बता ही नहीं सकते, तो खाली अर्थ के रेस्पेक्ट में अपन एक्सिस के रेस्पेक्ट में इतना तेजी से गोल घूम रहे हैं, है ना। खैर छोड़ो, अब इस कारण से हुआ क्या, ये जो रेडियस है अर्थ जो है ना, ऐसे जैसा एकदम सर्कुलर नहीं है, अर्थ थोड़ी सी ऐसे फैल गई है, मतलब यहां से ज्यादा और यहां से कम, ये हो गया रेडियस ऑफ इक्वेटर और ये हो गया रेडियस ऑफ पोल, रेडियस ऑफ इक्वेटर और रेडियस ऑफ पोल। तो हुआ क्या, रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है किससे, रेडियस ऑफ पोल, ठीक है। ये फैक्ट है, ये मैं बता रहा हूं, ये आप लोगों को रटना है, है ना, कि अर्थ का जो इक्वेटर में रेडियस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ का जो पोल में जो रेडियस है उससे। इज दैट क्लियर, ये एक डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको रटना है, ठीक है। अब रेडियस ज्यादा हुआ तो वहां एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, अरे यू यस और नो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, जी मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर, रेडियस लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर रेडियस ज्यादा तो जी कम, अगर रेडियस ज्यादा तो जी कम, रेडियस कहां का ज्यादा है, इक्वेटर का, तो इक्वेटर का जी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम, कहां से, पोल से। तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि जी ऑफ पोल इज लिटिल बिट मोर देन जी ऑफ अर्थ, लिख लो इसको, लिखना तो हेडिंग डाल सकते हो, वेरिएशन ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। लिख लिए, हाँ जी कर दूंगा, आगे बढ़े, चलो आगे देखो, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि भैया धरती माता का एकदम यूनिफॉर्म सर्कुलर शेप नहीं है, थोड़ा सा ओवल टाइप का है, अंडे आकार का है ना, बीच से थोड़ा फैला हुआ है। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज मोर देन रेडियस ऑफ पोल, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं, अप्रोक्सीमेटली तो 9.8 लेते हैं दोनों जगह। अब इधर देखो, आगे देखो, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब होता क्या है, सबसे पहले मास क्या है और वेट क्या है, देखो इधर ध्यान से सुनो, सबको ध्यान से सुनो एकदम। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब ये किसी ना किसी एटम से मिलकर बना है, अब कितने एटम है ना, वो सबका एक्चुअल में जो मास है वो एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है कि कितना मास कॉन्टेंट, कितना मैटर प्रेजेंट है किसी चीज के अंदर, है ना। मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स अलग हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स अलग हैं, और वो एटम भी अलग अलग साइज के हैं, यस और नो। तो एक तरीके से एक प्रॉपर्टी है, मास क्या है, प्रॉपर्टी, मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। वो जो खाली क्या बोलता है कि भाई किसी के अंदर कितना ज्यादा मैटर प्रेजेंट है, इसको रिप्रेजेंट करता है कौन, मास। तो अपन डे टू डे लाइफ में अंग्रेजी में मास और वेट को सेम बोलते हैं, बट जब फिजिक्स की बात आती है तब फिजिक्स में मास और वेट क्या है, अलग है ना। अपन अभी भी अगर नॉर्मल बात करना होगा तो वेट बोल देते हैं, भाई इसका वेट करा ला, और वो जो वो मास है एक्चुअल में, बट वो सही है अपना डे टू डे लाइफ के लिए, मास और वेट एक ही चीज है, समझ में आ रहा है क्या। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मास और वेट को अपन क्या मान लेते हैं, सेम, लेकिन यहाँ फिजिक्स में आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, मास बिल्कुल अलग है और वेट बिल्कुल अलग है, ठीक है। मास आपकी प्रॉपर्टी है, मास क्या है, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी, मतलब उसकी खुद की प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर मैटर कितना प्रेजेंट है। और वहीं पर अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट फोर्स है जो धरती माता इसके ऊपर लगा रही है, वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स, वेट क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और ये क्या है, मास इज अ इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है मास, और वेट है क्या, फोर्स। अब एक्चुअल में देखो, अपन को मालूम है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पता है कि नहीं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अपन को मालूम है किसी भी चीज को छोड़ो तो धरती माता का एक्सेलरेशन कितना है, जी, स्मॉल जी, धरती माता का एक्सेलरेशन कितना है, स्मॉल जी। अब इसका मास है मान लो एम, और एक्सेलरेशन कितना है, स्मॉल जी, तो धरती माता इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, एम जी, एफ इक्वल टू एम ए, अरे एफ इक्वल टू एम ए होता है, और यहां एक्सेलरेशन कितना है धरती माता का, जी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो उस पर जो धरती माता का फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एम जी, ठीक है, कितना लगेगा, एम जी। तो ये जो फोर्स होता है ये कितना होता है, एम इंटू जी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स है इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, वेट। समझ में आया। तो एक्चुअल में जो वेइंग मशीन है वो क्या कैलकुलेट करता है, वो वेट कैलकुलेट करता है, फोर्स, और फिर उसको जी से डिवाइड करके आपको मास डिस्प्ले कर देता है। समझ में आया, इज दैट क्लियर। इसीलिए वेइंग मशीन जिसमें वेट तोलते हैं, वेट तोलने वाली मशीन, वेइंग मशीन में अगर आप अर्थ में तोल रहे हो, मान लो 60 दिखा रहा है, तो मून में कितना दिखाएगा, 10। आपका मास उतना ही है, मास चेंज नहीं होगा। समझ में आया, मास जो है वो तो है, वो चेंज नहीं होगा, खाली क्या चेंज हो गया, फोर्स। यहां धरती माता ज्यादा फोर्स लगा रही थी तो उसको ज्यादा फोर्स लग रहा था मशीन के ऊपर, तो मशीन तो फोर्स बता रही थी। समझ में आया, वो फोर्स को मास में कन्वर्ट करके बता रही है, लेकिन उसको मशीन को तो आपने अर्थ के हिसाब से बनाया ना, यस और नो। अब मशीन क्या कैलकुलेट कर रही है, एम इंटू जी, धरती माता का जी पता है तो जी से डिवाइड करके आपको मास दिखा दिए। समझ में आया। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है 60 केजी का, उसको अगर आप वेइंग मशीन के ऊपर रखोगे तो डिस्प्ले तो आपको 60 केजी कर रहा है, बट वो 60 केजी मेजर नहीं कर रहा, वो 600 न्यूटन मेजर कर रहा है। समझ में आया, एम इंटू जी वो मेजर कर रहा है कि उसके ऊपर फोर्स कितना लगा। आप वेइंग मशीन में खाली हाथ से फोर्स लगाओ तब भी दिखाता है वो वेट, तो उतना फोर्स का हाथ थोड़ी है आपका। मान लो हाथ से ऐसे फोर्स लगाओगे 10 किलो दिखाएगा, 10 किलो का हाथ है ये, मजदूर का हाथ है कातिया, 2.5 किलो का, अरे समझ रहे हो। तो वो फोर्स कैलकुलेट करता है, क्या कैलकुलेट करता है, फोर्स, और ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देता है मास में, और मास आपको दिखा देता है कि भाई इसका मास इतना। बात समझ में आई, ये आज के बाद क्लियर रहेगा। फिजिक्स के लिए वेट और मास अलग अलग है, क्लियर। मास है इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी की कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, और वहीं पर वेट है, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इक्वल टू एम इंटू जी। दूसरी बात, मास स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, 5 किलो प्लस 2 किलो हमेशा 7 किलो होगा, बट वेट
पांच न्यूटन प्लस दो न्यूटन कुछ भी हो सकता है। अरे पांच इधर दो इधर तो तीन हो गया ना, फाइव इधर और टू इधर, तो नेट फोर्स कितना हो गया अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, सेम डायरेक्शन में होगा तो प्लस, फाइव इधर टू इधर तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, फाइव स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर का अंडर रूट, समझ में आ रहा है। तो फोर्स कुछ भी हो सकता है, उसको आपको डायरेक्शन जरूरत है, यस और नो, इसीलिए वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी, क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी। मास की ऐसा यूनिट क्या है, मास की ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स की मतलब वेट की, वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स, तो उसकी ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन। दूसरा बात, मास इज फिक्स डज नॉट चेंज विथ पोजिशन शेप और साइज, या पोजिशन है ना और प्लेस, मास इज कॉन्स्टेंट, मास इज कॉन्स्टेंट एंड कैन नॉट बी जीरो, एंड कैन नॉट बी जीरो, वेयर एज वेट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट कैन वेरी एंड कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। हाँ दो पॉइंट मैंने एक साथ लिखवा दिया आपका, इसमें इसलिए पांच पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने चार पॉइंट लिखा, ठीक है। आप इसको इसी से लिख सकते हो, ज्यादा बेटर है ना, इसको इसी से लिख देना, ठीक है, ज्यादा बेटर तरीके से लिखा हुआ है इसमें। चलो आगे बढ़े, एक पॉइंट और फिर ग्रेविटेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर बचेगा आधा पार्ट वो फ्लूइड वाला, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसका रिकॉर्डिंग भी है, अभी डालूंगा वीडियो, अब से आप लोगों की सारी क्लास रिकॉर्ड होंगी, फिजिक्स भी मैथ्स भी केमिस्ट्री और बायो छोड़ के, लाइव भी जाना है बट मैं थोड़ा सा मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मतलब हाँ वो सब अभी है, आधा आधा चैप्टर वो है, बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, जो नहीं दिया वो भी पढ़ाऊंगा, चलो लास्ट इसका पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन कंप्लीट होगा फिर चालू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब ग्रेविटेशन का ही सेकंड पार्ट, ग्रेविटेशन टू, हाँ इसी में, हाँ जैसे फ्रिक्शन होता है नॉर्मल पानी का फ्रिक्शन, फ्लूइड का फ्रिक्शन उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। अरे दिया हुआ है बुक में, मैं प्रिंट करके दे दिया हूँ तुम लोगों को, हाँ लिख लो, लो लिख लो लिख लो लिख लो, सॉरी माय मिस्टेक, लिख लो, हाँ तुम दोनों को मैं अलग अलग बैठने बोला था, इन दोनों को भी अलग अलग बैठने बोला था, तुम दोनों को, हाँ हाँ तो इन दोनों को भी नहीं, तीनों को अलग अलग बैठाऊंगा आपसे, ऐसे एक डीएवी एक एसआरवीएम, एक डीएवी एक एसआरवीएम, एक डीएवी एक एसआरवीएम, कल से मैं बैठाऊंगा, नाम लिख दूंगा, आगे बढ़े, लिख लिए सब कोई, हाँ तो बताओ ना लिख लिए, चलो इधर देखो, इधर देखो लास्ट टॉपिक, लास्ट में मतलब हो रखा है बस,
चैप्टर वन मोशन चैप्टर में पढ़े थे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या थी? V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, 2AS is equal to V square minus U square. क्या ये तीनों इक्वेशन हमेशा वैलिड है? कब वैलिड है? जब एक्सेलरेशन क्या हो? कॉन्स्टेंट. क्या धरती माता का एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है? अरे है ना, यहाँ से 150 किलोमीटर के लिए तो कांस्टेंट है हर जगह. 9.8 वैल्यू कितनी निकाले? 9.8 निकाले ना, कुछ और थोड़ी आ रहा है उसमें वैल्यू. टी या एक्स की भाई डिपेंड कर रहा है किसी चीज के ऊपर. अर्थ के सरफेस में कितनी है जी की वैल्यू? 9.8 फिक्स्ड है. मतलब भैया यहाँ मैं किसी भी चीज को फेंकूं वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब धरती माता में कोई भी चीज को फेंक दो तो ये क्या ही तीन इक्वेशन लगेंगी? लगेंगी. तो बस इसी इक्वेशन को थोड़ा और फैशन तरीके से लिख देते हैं, है ना? है सेम, वी सेम, यू सेम. अब ए के जगह क्या लिख देंगे? जी. यहाँ एक्सेलरेशन किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण. और दूसरा एस के जगह क्या लिखेंगे? अब हाइट. बस बाकी तीनों फॉर्मूला सेम है. वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 2GH is equal to V square minus U square. बात समझ में आई? Same formula है, same formula है, बस value A के जगह G, S के जगह H. अब इसके एक आध सवाल कर लेते हैं फिर आप लोगों की छुट्टी कर देंगे. अरे क्वेश्चन तो दिया है. बेस्ट बुक तुम्हारे पास है ना, दो तीन ठोक ला के बांट देना कल. आईसीएसई के लिए वैसे है भी नहीं प्रॉपर. आईसीएसई के लिए 9th और 10th की दोनों मिला के बनानी पड़ेगी. चलो आगे बढ़े. हाँ एसएसटी पढ़ना है, तुम पढ़ाओगे एसएसटी? ये क्लास के बाद आराम से दूसरी क्लास में बैठा देता हूँ, आराम से बैठ के पढ़ा देता हूँ. मैं अभी नंबर दे दूंगा तो मंग बात कर. अभी तुरंत का तो पता नहीं, पूछ रहे हैं. चलो इसको अभी एक क्वेश्चन करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं. क्लास चल रही है इसके बीच में तुम बकवास कर रहे हो. हाँ चलो इधर 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 देखो. लास्ट लास्ट सवाल, पक्का एक ही सवाल, बाकी कल करेंगे सवाल. ठीक है, बस एक ही सवाल, बाकी सारे सवाल कल, है ना? सिंपल, इजी, मीडियम, हार्ड? इजी. चलो एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके 80 मीटर पर सेकेंड से, है ना? 80 मीटर पर सेकेंड से. तो आपको ये बताना है कि कितने देर के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा. After how much time it will reach the highest point? आप हमेशा acceleration due to gravity को लेना 10 meter per second square. मैं जब भी question दूंगा जी को क्या लेना? 10 meter per second square. कितने समय में ऊपर पहुंचेगा, या ये निकाल लो कितनी height तक ऊपर जाएगा. एक height तक ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा? अरे कोई भी चीज को मैं फेंकूंगा ऊपर, एक एक height तक ऊपर गया वापस नीचे आया. इनिशियल वैल्यू ऊपर फेंका ना 80 मीटर पर सेकंड से, लगाओ अपने मन से लगाओ. अभी तो बताया ये तीन फॉर्मूले लगने हैं, बस देखो तीनों में से कौन सा लगना है. हाँ बस अपने अपना करो मुंह बंद करके. आस्था वो तो सोचना पड़ेगा ना, वेलोसिटी ऊपर है. यू सब मैं बता देता हूँ, मैं ही कर देता हूँ. सारी गलती होगी आप लोगों को क्वेश्चन दिया मैं.
हाँ टाइम और हाइट दोनों निकालनी है। भैया बोले टाइम ले ले। हाँ भैया हाई वैल्यू सबकी, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे इसके बाद के, ठीक है। चलो इसका बता देता हूं, देखो इधर, इधर देखो, सबसे पहले आपने इसको ओरिजिन माना, ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो, है ना, तो आप लिखोगे सबसे पहले u इज इक्वल टू प्लस 80, ठीक है। ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, धरती माता का एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे होता है, यस और नो, धरती माता का एक्सेलरेशन हमेशा कहां होता है, नीचे। अगर ऊपर वाले को प्लस माने हो तो नीचे वाले की वैल्यू क्या रखोगे, माइनस 10, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, हाईएस्ट पॉइंट। अब आप एक बात बताओ, ये आपको दिमाग लगाना है हमेशा, और ये बात रट लेना, कोई भी चीज को अगर आप ऊपर फेंके हो तो कब तक ऊपर जाएगा, जब तक ऊपर की वेलोसिटी है, वापस नीचे आने के लिए रुकना पड़ेगा ना उसको, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। किसी भी चीज को आप ऊपर फेंकोगे तो कब तक ऊपर जाएगा, जब तक ऊपर की रफ्तार है, फिर रुकेगा तब नीचे आएगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे तो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी जीरो। तीन चीज दे दिया, दो चीज पूछा है, जी और एच, टी और एच। तो पहले टी के लिए वो लगा दूं, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो टी की वैल्यू आ गई 8 सेकेंड्स। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टी आ गया, आया 8 सेकेंड। सेकेंड सवाल, हाइट निकालनी है तो h निकालने के लिए h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कर दूं, u कितना है 80 इंटू टी 8 माइनस हाफ जी 10 इंटू टी 8 स्क्वायर, ठीक है। 5, 8 कॉमन निकाल लेता हूं तो आ जाएगा 80 माइनस 40 इंटू 8 320 मीटर, माइनस में था तो डिस्टेंस तुमने अलग लिया होगा, डायरेक्शन अलग लिया होगा। हाँ थर्ड इक्वेशन से भी आप कर सकते हो, अच्छा हाँ, तो माइनस आपने मतलब डायरेक्शन, या तो आपने ऊपर वाले को नेगेटिव माना होगा इसीलिए आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सॉल्व करके क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।